गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कंपनी बुक पढ़ रहे थे, कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे इशू ऑफ शेयर कैपिटल का ये लेक्चर नंबर टू है। ये हम लोग इशू ऑफ शेयर कैपिटल का लेक्चर नंबर टू कर रहे हैं। देखेंगे लेक्चर वन में मैंने क्या किया था। लेक्चर वन में हम आपको बताए थे कि शेयर कैपिटल कितने टाइप्स के होते हैं, हमने इसके टाइप्स आपको बताए थे। दूसरा चीज मैंने बताया था आपको शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल होता क्या चीज है, और तीसरा जो प्रोसीजर होता है कैसे शेयर इशू करते हैं, जैसे एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाते हैं, अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाते हैं, फर्स्ट कॉल पे पैसा मंगवाते हैं, फाइनल कॉल पे पैसा मंगवाते हैं, वो प्रोसीजर बताए थे आपको। यानी ये तीनों चीजें जो हमारे न्यूमेरिकल को शुरू करने के लिए फाउंडेशन का काम करेंगी, उसको मैंने शुरू किया था, आपको बताया था। तो इस लेक्चर में हम आपको एक न्यूमेरिकल सा छोटा सा एक क्वेश्चन देते हैं, करते हैं, कैसे इसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी होगी, कैसे करेंगे उसको मैं समझाऊंगा आपको। तो देखेंगे, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और समझाऊंगा एंट्री को आपको, ठीक है, पूरे लेक्चर में। तो देखेंगे, मैंने कहा भूषण लिमिटेड इशू 1000 शेयर एज द रेट ऑफ 10 ईच। भूषण लिमिटेड ने 1000 शेयर इशू किया, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, यही मैंने कल एग्जांपल भी लिया था आपको। ऑन एप्लीकेशन ऐसे आपको क्वेश्चन देगा, 10 रुपए मुझे मंगवाना है, लेकिन मैंने बताया था एप्लीकेशन पे कुछ पैसा, एप्लीकेशन पर 3 रुपए, ऑन अलॉटमेंट पर 3 रुपए। अब जो 3 रुपए हम एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम मंगवाएंगे, 3 रुपए जब शेयर अलॉट करेंगे तब मंगवाएंगे, और 6 रुपए हो गए, 10 रुपए में से कितना ले लिया, 6 रुपए मंगवा लिया, बचा कितना, 4 रुपए। 4 रुपए के लिए मैं 2 किस्त बनाऊंगा बराबर का। क्या है, कंपनी ने कहा बाकी जो है 2 किस्त, मतलब फर्स्ट कॉल पहला किस्त 2 रुपए की और सेकेंड कॉल दूसरी किस्त भी 2 रुपए, मतलब आपको क्या करना है, 3 रुपए 3 रुपए 2 रुपए 2 रुपए देना, जो मैंने आपको कल स्ट्रक्चर समझाया था। ये ऐसे क्वेश्चन रहेगा आपसे, लिखेगा पास जनरल एंट्री आपसे कहेगा कि आपको इसकी क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है। तो बात समझ में आ रही है, तो देखिएगा हम लोग इसको, आप नोट भी कर लीजिएगा, नोट्स बनाएगा इसका, क्योंकि एक तरह से ये क्या है, आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे एंट्री होगी। तो सबसे पहले देखिएगा कितना शेयर इशू कर रहा है कंपनी, 1000 पूरा शेयर बिक गया मार्केट में, क्या हो गया, वो यहाँ पर कुछ दिया नहीं ना कितना शेयर बिक गया, तो हम मानेंगे पूरा शेयर मार्केट में बिक गया, ठीक है ना, ऑल शेयर में सब्सक्राइब, सारे शेयर क्या हो गए, बिक गए। तो बताएगा कंपनी ने 1000 शेयर क्या कर दिया, सेल करा, मतलब सब्सक्राइब हो गया। तो बताए कंपनी के पास पैसा कितना आएगा, कंपनी के पास पैसा आएगा 1000 शेयर पे 10 रुपए के रेट से टोटल 10,000 आना चाहिए, लेकिन ये 10 रुपए हमारे 4 पार्ट में आएंगे, एप्लीकेशन पर आएगा, अलॉटमेंट पर आएगा, फर्स्ट कॉल पे आएगा और सेकेंड कॉल पे आएगा ना ऐसा। तो देखिए इसी की जनरल एंट्री करनी है। तो देखिए सबसे पहले जब हम एप्लीकेशन फॉर्म खरीदने जाते हैं तो हमसे कहता है कि पैसा दीजिए तब एप्लीकेशन फॉर्म लीजिए, तो वो हम पैसा देते हैं, तो हमारे पास पैसा आता है तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट। एक बात बताएं हम आपको, ये बैंक इसलिए लिखा जाता, कैश इसलिए नहीं लिखा जाता, क्योंकि जो शेयर बिकता था पहले वो बैंक से बिकता था, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन होता है वो ऑनलाइन होता है, ऐसे नहीं कि पैसा ले लो शेयर दे दो, नहीं, ना शेयर ही और हमको फिजिकल फॉर्म में मिलता है, ना पैसा फिजिकल फॉर्म में मिलता है, हम पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं,
और शेयर भी ऑनलाइन डीमैट फॉर्म में आपके पास होता है, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, ठीक है ना। यानी बैंक अकाउंट डेबिट मतलब पैसा बैंक ने क्या कर दिया, रिसीव कर लिया, डेबिट द रिसीवर, बैंक के पास क्या आ गया, पैसा आ गया। टू बताइए किसका पैसा है, शेयर एप्लीकेशन का, शेयर एप्लीकेशन का बीन एप्लीकेशन मनी रिसीव, मुझे एप्लीकेशन मनी क्या हो गया, मिल गया किसको, बैंक को। कितना पैसा मिला होगा आप ध्यान देंगे, यहां पे मैं कर रहा हूं देखिए 1000 शेयर है, एप्लीकेशन पर कितना पैसा आना है, 3 रुपए। तो बताइए कंपनी के पास टोटल कितना पैसा आ जाएगा, 3000 रुपया। कंपनी के पास कितना आ जाएगा, 3000 रुपया। 1000 शेयर कंपनी कितने बेचा, पूरा शेयर बिक गया, 1 शेयर पर 3 रुपए एप्लीकेशन पे आना है, तो 3 रुपए यानी कंपनी के पास तो टोटल आएगा ना, तो हम टोटल की एंट्री करेंगे, हम शेयर होल्डर की एंट्री नहीं करते कि 15 शेयर को खरीदा उसका, नहीं हमारे पास टोटल पैसा आएगा, मैं टोटल की एंट्री करूंगा क्योंकि मैं कंपनी हूँ, ठीक है। ये एंट्री कहाँ हो रही है, कंपनी के पास हो रही है। तो 1000 शेयर है, 3 रुपए के रेट से कितना शेयर हो गया, 3000 रुपए इसके पास आ गया। कहाँ आ गया ये, हमने कहा ना बैंक के थ्रू बिकता है, बैंक के काउंटर से, तो बैंक में हमारा पैसा आ गया। बैंक ने मुझे फोन किया कि भाई देखो तुम्हारा पैसा हमारे पास आ गया। जब बैंक फोन करेगा मुझे पता चलेगा कि मेरा पैसा बैंक में आ गया, तो बताओ कैसा पैसा है, वो शेयर कैपिटल का पैसा है। किसका पैसा है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल का पैसा है। कैपिटल बढ़ेगा ना, जैसे ही आप सुनिए, जैसे मैंने शेयर इशू किया मेरे पास पैसा आया, तो बताए कैपिटल बढ़ा कि नहीं बढ़ गया, पैसा आया तो कैपिटल बढ़ गया, तो पैसा कैपिटल बढ़ेगा। और हम जानते हैं कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको जब हमको बढ़ाना होगा तो क्या करना होगा, क्रेडिट। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाने के लिए क्या क्रेडिट, जिससे कोई मतलब मैं समझा रहा था, बताएगा जैसे ही बैंक फोन करेगा भाई तुम्हारा पैसा आ गया है, बताएगा मेरा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, शेयर कैपिटल बढ़ेगा ना, जैसे जैसे पैसा आएगा कैपिटल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा, तो बताएगा जब मेरे पास आएगा शेयर कैपिटल बढ़ेगा, तो मैं लिखूंगा 2 शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनिएगा, मेरा शेयर कैपिटल बढ़ गया, मैं कहूंगा अरे मेरा शेयर कैपिटल बढ़ गया, मेरा शेयर कैपिटल बढ़ गया, कैसे, क्योंकि कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट ही करना होगा, इसलिए कैपिटल को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, क्रेडिट, क्योंकि पैसा आया तो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा आ गया, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ गया, 3000 रुपए बी एप्लीकेशन मनी लिखेंगे ट्रांसफर, ठीक है ना, बीन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। देखिएगा यहां डेबिट है, अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, हमेशा जब भी क्रेडिट को ट्रांसफर करते हैं डेबिट, और जब डेबिट को ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट। तो यहां पे जब ट्रांसफर करेंगे कहां, आप सुनिए ऐसे, ये है बैंक, ये है मेरी कंपनी, ये है भूषण लिमिटेड, ये है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर मेरा पैसा आया, यहां पर जो है पैसा आया, तो मैंने ये एंट्री कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ गया। शेयर एप्लीकेशन हमारे लिए इनकम होता है, नॉमिनल अकाउंट, इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड, तो यहाँ पे पैसा आ गया मेरे पास। अब भूषण ये फोन करा कि भूषण भाई देखो तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारा पैसा आ गया, तो मैं कहूँगा अभी पैसा आ गया क्या, मेरा कैपिटल तो बढ़ गया, मैंने कहा कैपिटल बढ़ गया भाई, यानी जो पैसा आया उस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना है, हमारे यहाँ एक कैपिटल नाम का गुल्लक है, उस कैपिटल में ट्रांसफर करना है।
तो मैंने कैपिटल में ट्रांसफर किया, और हमेशा हम जानते हैं कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या क्रेडिट और शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, और जब भी ट्रांसफर करते हैं या रिटर्न ऑफ करते हैं उसी बोलते हैं, तो हमेशा क्रेडिट को क्या कर देते हैं, डेबिट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, आप सुनिए ये एप्लीकेशन की कहानी क्या हो गई, खत्म, ये हमारी कहानी खत्म। अब हमको बात करना शेयर क्या करना, अलॉट करना, कुछ दिन बाद क्या होगा, अलॉटमेंट होगा शेयर का। तो जब लोग शेयर को खरीदने आएंगे, अलॉट करने आएंगे, तो हम कहेंगे भाई देखो फिर तुमको ₹3 देना है, कितना देना अलॉटमेंट पे, ₹3। तो मैं कहूंगा ठीक है। अब मान लीजिए ये हुआ 1/4 को हमने शेयर इशू किया, अब इसके बीच में शेयर इशू और अलॉटमेंट के बीच में जो टाइम है वो 2 महीने का है, यानी 1 मई को मान लीजिए ये 1 मई को होगा, मैं एक डेट देता हूँ ऐसे ही दे रहा हूँ, ये 1 जून को, सब 1-1 महीने के अंतराल पे हो रहा है, ठीक है ना। 1 महीने के अंतराल पे जब अलॉटमेंट होगा, सुनिएगा, तो मैं पहले ही सोच लूंगा जो शेयर बिक गया है, मैं पहले सोच लूंगा अच्छा शेयर तो बिक गया है 1000, उस पे आज कब सोचूंगा, ये 31 तारीख को, 30 अप्रैल को सोचूंगा कि 1 तारीख को मेरे पास पैसा आएगा, कब आएगा, 1 मई को पैसा आएगा, किसका, अलॉटमेंट का। अच्छा मेरे पास 1 मई को अलॉटमेंट का पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, ₹3 अलॉटमेंट का है, ₹1, 1000 शेयर पे आएगा, 3000 में मैं सोचूंगा, ड्यू करूंगा ना, यानी सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, अपने यहाँ ट्रांसफर कर लूंगा, क्या एंट्री करूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर का। सबसे पहले पैसा कहाँ आया था, बैंक में, तो हमको पता नहीं था इसलिए बैंक वाली एंट्री पहले हुई। अब हमको पता है कि मेरे पास पैसा आएगा, तो सबसे पहले मैं ट्रांसफर कर लिया, फिर बैंक को रिसीव हो जाएगा। तो देखिएगा शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है ना। कितना पैसा, 1000 शेयर है, 1 शेयर पे ₹3 आना है, तो कितना पैसा आएगा, 3000। ये हमने सोचा है, ड्यू किया कि मिलने वाला है, अब पैसा मिल जाएगा, मान लीजिए कल 1 तारीख होगा, 1 तारीख को पैसा मुझे मिल जाएगा। जब पैसा मिलेगा तो हम कहेंगे बैंक के पास पैसा आया, डेबिट द रिसीवर, कितना पैसा आया, 3000, किसका पैसा आया, अलॉटमेंट का डेबिट है ना, तो क्या कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट कितना पैसा आया, 3000, बीन क्या लिखेंगे, बीन अलॉटमेंट मनी, मनी रिसीव, बीन अलॉटमेंट मनी क्या, रिसीव हो गया, ये हो गया मेरे पास एंट्री 2। अब बात सुनिए, अलॉटमेंट का तो काम करता हूँ, सबका दो दो एंट्री होना है, फर्स्ट कॉल ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट कॉल में भी हम सोचेंगे कि मेरे पास पैसा आएगा, तो क्या कहेंगे, पैसा सोचेंगे, अच्छा पैसा आएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मैं अपने यहां क्या कर दूंगा, कैपिटल को बढ़ा दूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम एंट्री। अब देखिए एंट्री क्या है, सेम है, बस अलॉटमेंट के, ये दोनों एंट्री सेम होगी, कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ अलॉटमेंट के जगह पे फर्स्ट कॉल लिखा जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है ना। तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, मनी ड्यू, ठीक है ना। कितना पैसा आएगा जो बताएगा, ₹2 आ रहा है एक शेयर पे ना, तो देखिएगा 1000 शेयर है, 1 शेयर पे ₹2, तो पैसा कितना आने वाला है, 2000, पैसा आ गया, सेम एंट्री, देखिए सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे अलॉटमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट कॉल टू शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना, 2000, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये फर्स्ट कॉल का कहानी खत्म, आप सेकेंड कॉल पे आ जाइए, वही सेम एंट्री, फिर सारी एंट्री सेम, यही अलॉटमेंट, बस उसके लिए क्या होगा, इसका नाम क्या है, सेकेंड कॉल लिख देंगे, बस शेयर
सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितना पैसा आएगा जरा बताएगा, दो रुपए इस पे भी है तो 2000 इस पे भी हो जाएगा, 1000 × 2 = 2000 निकलेगा। फिर क्या होगा, यही एंट्री से ये वाली, लेकिन यहाँ अलॉटमेंट के जगह पे क्या सेकेंड कॉल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल कितना 2000। अब आपको मैं बता दूं, थोड़े थोड़े लोग को समझ में नहीं आया होगा, जिनके समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूं, इसके अलावा इस अकाउंट इसमें कंपनी अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं होती है। आप ध्यान रखिएगा, हर एंट्री में एक जैसी ही एंट्री होती है ये सारी। देखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें भी शेयर अलॉटमेंट का नाम बदल गया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट का नाम बदल गया, फर्स्ट कॉल हो गया। ये एंट्री बस आपको याद कर ले तो सारी एंट्री एक जैसी होगी। और इसमें क्या होता है, इस वाले पहले वाले एंट्री में उल्टा होता है, जो यहाँ पे दूसरे नंबर पे होता है वो यहाँ पे पहले नंबर पे होता है, और जो यहाँ पहले नंबर पे होता है ये यहाँ पे दूसरे नंबर पे होता है। बस कहानी है, आप ये एंट्री याद कर लीजिए, पहले वाली एंट्री में बैंक वाली एंट्री पहले होगी, एप्लीकेशन वाली एंट्री बाद में होगी, बाकी सब में ये पहले होगी ये बाद में होगी। अगर आपको याद करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी इसमें एंट्री नहीं आएगी, अगर आएगी तो वो समझाया जाएगा आपको, लेकिन अभी जो है इसमें सिर्फ यही एंट्री होगी। तो ये एंट्री आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, और इसको आप देखिएगा, और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप करिएगा, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, देखिएगा इसको हटा दिया, एक होमवर्क है आपका, देखिएगा, शशि लिमिटेड इशू 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 20 ईच ऑन अलॉट वन एप्लीकेशन इज इक्वल टू 4 अलॉटमेंट इज इक्वल टू 6, फर्स्ट कॉल इज इक्वल टू 4, सेकेंड कॉल इज इक्वल टू 3 एंड फाइनल कॉल थर्ड कॉल इज इक्वल टू 3। देखिए 20 रुपए हो गया, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 6 10, फर्स्ट कॉल पे 4 10 × 4 = 14, सेकेंड कॉल पे 3 = 17, थर्ड कॉल पे 3 = 20। आप सुनिएगा क्या करना, सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन सेम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 10,000 शेयर, वहां पे 1000 था, 10,000 × एप्लीकेशन पर कितना है 4 × 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40,000। अब एंट्री सेम होगी, बस अमाउंट बदल जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 40,000 हो जाएगा, एंट्री सेम होगी, सब क्वेश्चन में एंट्री सेम होगी, बस इतनी ही एंट्री होगी, इसके अलावा कुछ नहीं, एक एंट्री यहाँ पे बढ़ेगी, तो आप क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, सेकंड कॉल के जगह क्या लिखेंगे, शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड कॉल, ये वाली एंट्री होगी। अब ये वाला आप लोग पास करेंगे, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं इसका भी वीडियो बना के फिर से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को फिर से एक क्वेश्चन क्या करूंगा, करवाऊंगा, और इस पे क्वेश्चन पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा जब तक आप लोग को समझ में नहीं आ जाता, क्योंकि अब लेकिन एक चीज समझिएगा, यही एंट्री हर क्वेश्चन में होनी है, पूरी बुक में होनी है, तो जब हम लोग 5-7 क्वेश्चन करेंगे तो एंट्री ऑटोमेटिक याद हो जाती है, नहीं समझ में आए तो रट्टा मार देते हैं, इसके अलावा कोई एंट्री इसमें नहीं होनी है, तो ये एंट्री यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 4-5 क्वेश्चन का, और आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे।